नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन और स्वागत है आपको मेरे चैनल टेक नितिन पर। दोस्तों, HTML, CSS और JavaScript के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। दोस्तों, जो कंप्यूटर से रिलेटेड जिनकी डिग्री हुई है उनको तो ये चीज़ पता ही होगी, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ। HTML एक बेसिकली लैंग्वेज है जिससे मदद से हम वेब पेजेस डेवलप कर सकते हैं। तो आप जो भी वेबसाइट्स ओपन करते हैं, फिर वो फ्लिपकार्ट की हो, अमेज़ॉन की हो, या फिर कोई भी वेबसाइट हो, उन सभी में HTML, CSS और JavaScript ये तीनों चीज़ें यूज़ करके कंप्लीट एक वेबसाइट वहाँ पे डिज़ाइन हुई होती है। तो सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए तो HTML एक बेसिकली लैंग्वेज है, मीन्स बॉडी में जो भी आपकी वेबसाइट में जो टेक्स्ट दिखाई देता है वो पूरा है HTML, वो पूरा HTML होता है। आपको सारे जो टेक्स्ट आपको दिखाई देते हो वो HTML पे दिखाई देते हैं, HTML की मदद से दिखाई देते हैं। अब बात रही थी CSS की, तो CSS क्या होता है? CSS आपके एक वेबसाइट को कलर्स अलग अलग, उसके आपके फॉन्ट के साइज क्या हो गए, आपका उसके पीछे मीन्स बोल्ड होगा या अंडरलाइन होगा टेक्स्ट, इन सभी की जो इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करनी पड़ती है वो CSS में CSS में कोड करना पड़ता है, तभी जाके आपकी जो वेबसाइट में आपके कलर्स, फिर उसका फॉन्ट टेक्स्ट का वो दिखाई देता है। अब बात यह थी JavaScript की, तो JavaScript क्या किस में मदद करती है? JavaScript मान के चलिए आपको कोई एक प्रोग्राम है जैसे कि कैलकुलेशन आपको करना है, मीन्स कैलकुलेटर का आपको प्रोग्राम बनाना है, तो कैलकुलेटर का जो भी प्रोग्राम रन करेगा यानी कि 3 + 2 = 5 जो रिजल्ट आएगा वो पूरा कंप्लीट काम होगा JavaScript में। जो बेसिक वेबसाइट होती है वो तीनों चीज़ों पर काम करती है, HTML, CSS एंड JavaScript। अगले वीडियो में हम HTML के बारे में बात करेंगे, उसके टैग्स के बारे में बात करेंगे, क्या क्या टैग्स यूज़ होते हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं और क्या क्या उसका फंक्शन होता है, ये सब कुछ चीज़ें अगली वीडियोज में बिल्कुल विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। ये बेसिकली इंट्रोडक्शन वीडियो है ऐसा आप समझ सकते हैं। तो कम्प्लीटली हम पढ़ेंगे HTML, देन उसके बाद CSS और JavaScript। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।